सात फ्रॉक वाला जादुई घर। हीरपुर गांव में आरोही अपनी माँ ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति गर्भवती थी और उसका नौवा महीना चल रहा था। आरोही के पिता किसान थे। एक शाम आरोही के पिता खेत में काम कर रहे थे, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद ज्योति और आरोही का ध्यान रखने वाला कोई नहीं बचा और ज्योति ने भी बच्चे को जन्म देते वक्त अपने प्राण त्याग दिए। ज्योति ने एक बेटी को जन्म दिया। आरोही का इस दुनिया में कोई नहीं बचा। वो अपनी जन्मजात बहन को लेकर सड़कों पर आ गई। चाची, मेरी बहन के लिए थोड़ा सा दूध दे दो चाची, वो बहुत भूखी है चाची, प्लीज चाची, वरना मेरी बहन भी माँ बाबा की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ चाची। कुछ दिनों तक तो गांव वालों ने आरोही पर तरस खाकर उसे खाने पीने की चीजें देते रहे, लेकिन अब गांव वालों ने भी आरोही की मदद करनी छोड़ दी थी। एक रात आरोही की बहन आरू बहुत रो रही थी। आरू, तू चिंता मत कर मेरी बहन, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, मैं बस अभी आई मेरी बहन। चाची, दरवाजा खोलो चाची, चाची मेरी बहन बहुत भूखी है चाची, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो चाची, मेरी मदद करो चाची। अरे तू फिर से आ गई, तेरे तो रोज रोज का यही ड्रामा है। देख, रात का समय है और सब अभी खाना खाकर सो रहे हैं। तू कहीं और जाकर मांग, हमारे पास तुझ जैसी भिखारी को देने के लिए दूध नहीं बचा है। हर एक दरवाजे को खटखटाया आ जाती है, लेकिन खराब करने के लिए उसकी मदद नहीं की। सभी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। निराश होकर आरोही रोते हुए घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक गाय दिखी। वो गाय आरोही के पास आकर रुक गई। आरोही जल्दी से उस गाय का दूध निकालती है और फिर उस गाय के दूध को अपनी बहन आरू को पिलाती है। हम इंसानों से तो कई गुना ज्यादा अच्छा ये बेजुबान जानवर होते हैं। हे गाय माता, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वह गाय एक परी में बदल जाती है और आरोही से कहती है, आरोही मैं एक परी हूँ और तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं इस गांव में पिछले एक महीने से घूम रही हूँ। मुझे ये देखकर बहुत ही हैरानी हो रही है कि आजकल के लोग इतने स्वार्थी कैसे होते जा रहे हैं। उन्हें दूसरों की मजबूरी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? लोग आखिर इतने निर्दयी कैसे हो रहे हैं? कल ही मैं एक शादी में गई, जहां एक गरीब लड़की की शादी इसलिए टूट गई क्योंकि उसकी माँ ने ना तो उसके लिए अच्छा लहंगा खरीदा था और ना ही दहेज के लिए पैसे जुटा पाई थी, जिस वजह से उसका बारात उसके द्वार से आकर लौट गया। उस बेचारी की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उसी रात मर गई। परी जी, क्या दुनिया में हम जैसे गरीब और अनाथ लोगों को जीने का हक नहीं है? अगर नहीं है तो भगवान ने हमें ऐसा जीवन दिया ही क्यों? बताइए ना परी जी। घबराओ नहीं आरोही, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, तुम अपनी बहन के साथ आओ मेरे साथ। उसके बाद परी आरोही को जंगल में ले जाती है। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो परी जी, तुम बस चलो तो मेरे साथ। अरे ये क्या, सात जादुई फ्रॉक का घर? परी जी, इतना सुंदर घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, और ये सब कौन लोग हैं? आरोही, ये सात जादुई फ्रॉक का घर है और ये सब लोग आज से यही लोग तुम्हारे परिवार हैं। वो जो मैंने तुम्हें शादी टूटने वाली बात बताई थी ना, वो यही लड़की है। इसका नाम गंगा है और ये राधा है और ये रानी है। आज से तुम सब यहीं पर रहोगी और यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जादुई घर में तुम्हें जो चाहिए वो हर चीज मिलेगा, और हाँ, अब से तुम्हें कहीं भी ऐसे गरीब और बेसहारा लोग दिखे उन्हें अपने साथ इस जादुई फ्रॉक के घर में ले आना, और वो भी अब से हम सबके साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अब से सब लोग एक साथ प्यार से रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी बहन के साथ खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक के घर में रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
अब आरोही को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। वे लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक दिन जंगल में दो शिकारी शिकार के लिए आया। तभी उसे वो जादुई सात फ्रॉग का घर दिखा। अरे अद्भुत, भला जंगल में फ्रॉग का घर? भला जंगल में फ्रॉग के घर में कौन रहता है? और ये घर कितना सुंदर है, ऐसा घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, अगर हम इस घर के फ्रॉग की फोटो लेकर शहर के नामचीन अमीर लोगों को दिखाएं, फिर तो वो हमें तो इस अद्भुत घर की मुँह मांगी रकम देंगे। उसके बाद वह शिकारी उस जादुई सात फ्रॉग के घर की फोटो ले लेता है। तभी वहाँ पर गंगा और आरोही आती है। आप लोग कौन हैं? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? ए लड़की, तू इस जंगल में क्या कर रही है? ये जंगल तो हमारा घर है और हम इसी जादुई सात फ्रॉग के घर में रहते हैं। अगर आपको हमारे साथ इस घर में रहना है तो आप भी हमारे साथ रह सकते हो। हाँ, भले ही हमारा घर दिखने में छोटा है, लेकिन ये घर अंदर से बहुत ही बड़ा है। बकवास बंद कर अपनी, यह फ्रॉग का घर अब से हम लोगों का है, समझी? अब जल्दी से तुम लोग ये घर खाली करो। एक तो हम तुम्हारे साथ इज्जत से बात कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें इस घर से निकालने की धमकी दे रहे हो। हम धमकी नहीं देते, हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम उसे हासिल करके रहते हैं। उसके बाद शिकारी गंगा और आरोही को धक्का दे देता है और जबरदस्ती जादुई फ्रॉग के घर में घुसने की कोशिश करने लगता है। रुक जाओ दुष्ट इंसान, इस घर के अंदर सिर्फ नेक दिल और मजबूर लोग ही जा सकते हैं। अगर कोई बुरी नियत वाला इस घर के अंदर आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुप कर फ्रॉग के घर, मैंने कई सालों से इस जंगल पर राज किया है, हमें देखकर तो शेर भी दूर से भागते हैं। तो तू चीज ही क्या है, हम तो तुम्हें हासिल करके ही रहेंगे। शिकारी जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है तभी फ्रॉग के घर से आग का गोला निकलता है और शिकारी वही जलकर भस्म हो जाता है। उसके बाद सभी उस जादुई सात फ्रॉग के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से कोई भी बुरा इंसान उस फ्रॉग के घर में जाना तो दूर, उसे देखने तक से डरने लगता है। रूप की रानी का जादुई आईना। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वीर प्रताप के महल में वर्षों के बाद एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें, टमाटर जैसे गाल और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखते हुए सभी ने बड़े ही प्यार से उसका नाम गौरी रखा। गौरी जब 5 साल की थी तभी अचानक से रानी का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने गौरी की देखभाल के लिए कनिका नाम की महिला से दूसरा विवाह कर लिया। कनिका एक जादूगरनी थी, वह राजा को अपनी झूठी सुंदरता से मोहित कर शादी कर लेती है। कनिका अपने साथ महल में एक जादुई आईना लेकर आती है। कनिका को सजने सवरने का बहुत ही शौक था, वो अपने आप को रूप की रानी समझती थी। एक दिन कनिका अपने आप को आईने में निहारते हुए आईने से पूछती है, आईना आईना, ये जादुई आईना, बता सबसे सुंदर कौन है? आप हो सबसे सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर हमारे महल की शहजादी गौरी है। आईने की बात सुनकर कनिका आग बबूला हो जाती है। अगर ये मुझसे खूबसूरत रहेगी तो सब लोग इसी की खूबसूरती की प्रशंसा करेंगे। इसके होते हुए मैं इस राज की सबसे सुंदर महिला कभी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि हमारे इस पूरे राज्य में मेरे अलावा मुझसे सुंदर महिला और कोई ना हो सके। कनिका हर रोज कुछ न कुछ करती ताकि राजकुमारी गौरी की खूबसूरती कम हो जाए, लेकिन कनिका के जादू का राजकुमारी गौरी पर कोई असर नहीं होता था, बल्कि राजकुमारी गौरी दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत और प्यारी होती जा रही थी। कनिका एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर कहती है, आईने आईने, जादुई आईने, बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी खूबसूरत शहजादी गौरी है।
कनिका इस बार ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह राजकुमारी गौरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाती है और अपने एक खास सिपाही को बुलाकर कहती है, सुनो, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाकर उसकी जान लेनी होगी। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, जिससे तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनिका की बात मानकर वह सिपाही राजकुमारी गौरी को धोखे से जंगल ले जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। शहजादी गौरी, मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर मैंने आपको नहीं मारा तो रानी कनिका मुझे मार देगी और मेरे पूरे परिवार को भी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। आप एक काम करो, आप यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, आपका यहाँ पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। चली जाओ बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, और तुम कभी इस राज में लौटकर मत आना। यह सुनकर गौरी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शहजादी गौरी वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। गौरी उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अम्मा, मुझे बचा लो अम्मा, मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटी, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। वह भी तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर, उसके भी तुम्हारी तरह सुनहरे बाल थे, नीली नीली आंखें थी। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती, जिस दिन मेरी बेटी के जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा? कुछ समय पहले की बात है बेटी, बहुत तेज आंधी चल रही थी, बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक औरत हवा में उड़ती हुई आई और उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपनी जादुई आईने में मेरी बेटी को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उसी जादूगरनी के आईने में कैद है। लेकिन मेरे पास उस आईने का तोड़ होते हुए भी मैं उस जादूगरनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी बेटी। यह सब सुनकर गौरी मन ही मन सोचती है, हो ना हो, वो औरत और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ ही है, क्योंकि ऐसा जादुई आईना तो सिर्फ उनके पास ही है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा अम्मा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और इस जादुई आईने की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं? कुछ समय पहले मैं गुरु माँ के पास गई थी बेटी, वो गुरु माँ सबकी मदद करती है। उन्होंने मुझे भी एक कांच के बोतल में लाल समुद्र का पवित्र पानी दिया था। अगर यह पानी मैं उस जादुई आईने पर डाल दूं, तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आजाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जलकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अम्मा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है, और ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ ही है। उसने धोखे से अपने रूप के जाल में मेरे पिता को फंसाकर उनसे शादी कर ली, और उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे राज्य में सबसे सुंदर मैं हूँ, तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और आपकी बेटी भी उसके कैद से आजाद हो जाए। क्या सच में बेटी, ऐसा हो पाएगा? मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी? क्या उस जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ अम्मा हाँ, बस आप मुझ पर भरोसा करो।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, बाकी तुम अपना ध्यान रखना। वह जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है, अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी उस पवित्र पानी को लेकर अपने महल की तरफ चल देती है और छुपके से गौरी महल के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस पवित्र पानी को जादुई आईने पर डालने वाली होती है, तभी वहां पर जादूगरनी कनिका आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? अरे तेरी जैसी को तो मैं चुटकी में हवा में उड़ा दूं। तू मेरा मुकाबला करेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी कनिका गौरी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी बड़ी ही फुर्ती से उस पानी को आईने पर डाल देती है। जैसे ही वह पवित्र पानी आईने पर गिरता है, वह आईना पूरी तरह से चटक जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका जलकर राख हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कैद से आजाद कराया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद सभी मिलजुल कर प्यार से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।